नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24 न्यूज़। मैं हूं राजन सिंह। आज हम फिर लखनऊ में आए हैं और जनता से बात करेंगे। आने वाले समय में जिस तरह से निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव का मुद्दा क्या है और इस बार जो चुनाव की रणनीति है, सियासी पीच पर हम लगातार देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और सपा से डिम्पल यादव लगातार लोगों के बीच में जाके जनसभा कर रही हैं। ऐसे में चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा, क्या डेवलपमेंट है, भाई से हम पूछते हैं। भाई कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस में ये बनारस से हैं। बनारस में आपने देखा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल बनारस को इस वक्त चमका दिए हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ वाराणसी में आज गए हैं जनसभा करने के लिए। क्या लगता है आने वाले जो चुनाव है, इस चुनाव को लेके किया जा रहा है कि 2024 का रणनीति पीच तैयार किया जा रहा है लोगों के बीच में? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये दोनों ही है, लेकिन अभी जो चुनाव हाल ही में होने वाला है वो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस समय। इस समय मुद्दा अभी बोलबाला तो बीजेपी का ही है, लेकिन डिंपल यादव भी पीछे नहीं है। बिल्कुल, कांटे का मुकाबला चल रहा है। कांटे का मुकाबला है। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी पूरी तरह से जीती गई है, लेकिन बोलबाला तो अभी है। लेकिन मुकाबला अच्छा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, डेमोक्रेसी के लिए भी काफ़ी फायदा है अगर दोनों स्ट्रांग रहे, दोनों पार्टी। लेकिन योगी जी की सरकार ने बनारस में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, डेवलपमेंट काफ़ी हुई है और यही इनका मेन मुद्दा भी रहेगा इस चुनाव को लेके। मेरे ख्याल से शहर के लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है जो पिछला जो समय गया है, उस समय जब मेयर थे तो क्या वो काम किए हैं शहर के लिए? जी बिल्कुल किए हैं, क्योंकि योगी जी थे तो काफ़ी टाइट था माहौल और भ्रष्टाचार को मिटाने में काफ़ी कदम भी उठाए हैं। हम तो काफ़ी सपोर्ट करेंगे उनका इस मामले में, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से गया नहीं है भ्रष्टाचार। अच्छा, आप लखनऊ घूमने आए हैं, कैसा लगा लखनऊ? लखनऊ तो काफ़ी अच्छा शहर है। मैं यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ क्योंकि आज मैच था आईपीएल का। अच्छा, तो वही उसी के मैच देखने आए। अच्छा, साफ़ सफाई के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है लखनऊ? लखनऊ तो काफ़ी अच्छा है साफ़ सफाई के मामले में, तो मुझे लगता है यूपी में सबसे अच्छा है क्योंकि कैपिटल भी है तो साफ़ सफाई तो बहुत अच्छी है यहाँ की। बनारस बात है, हमारे लखनऊ की तारीफ की है भाई, बनारस के हैं और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, जो चुनाव होने जा रहा है इसमें आप देखे होंगे कि योगी आदित्यनाथ और डिंपल यादव जमीनी स्तर से अपनी जो सियासी पीच है अपने अपने प्रत्याशी के लिए मजबूत कर रहे हैं। क्या लगता है इस समय का जो चुनावी जो माहौल है, क्या मुद्दा रहेगा डेवलपमेंट, जो शहर का विकास होना है, शहर के विकास को लेके शहर अपना सरकार बनाने जा रहा है, पूरा करना चाहिए? देखा जाए तो सबसे बड़ा अभी समस्या है जो कि हमारे देश का भी समस्या है, सिर्फ यूपी का नहीं, रोजगार। हमारे आजकल के इतने ज़्यादा आप कह लीजिए इंजीनियरिंग करके लोग हमारे चाय वाले, कभी बीटेक चाय वाले खोल दे रहे हैं तो कभी कुछ खोल दे रहे हैं, तो रोजगार की समस्या जो है बहुत बड़ी है और ये बहुत चुनौती वाला काम है। तो सरकार को यही करना चाहिए और मैं गुजारिश भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लाए, जिससे कि जो हमारे युवा हैं वो अपने डिजर्विंग जगह जा सकें और वहाँ जाके वो लोग अपने देश के लिए और अपने लिए कुछ कर सकें। स्मार्ट सिटी बनने के लिए बात हुआ था, स्मार्ट सिटी बनेगा जगह जगह उत्तर प्रदेश का, पिछले समय में क्या स्मार्ट सिटी बन पाया शहर? स्मार्ट सिटी के नाम पे ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह हो गया है, रोटरी वगैरह इंट्रोड्यूस हो गई हैं सड़कों पर और यातायात नियम भी सुधर गए हैं, तो कहीं ना कहीं डे बाई डे स्मार्टनेस तो बढ़ी जा रही है लखनऊ सिटी की। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और भी बच्चे हैं हमारे साथ, ये सड़कों पे घूम रहे हैं, इधर आओ। अरे तो देखिए, हमारे साथ एक भाई और हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष जी। क्या लगता है जो ये जिस इस समय निकाय चुनाव हो रहा है, इसकी जो जिस तरह से रणनीति चलाया जा रहा है, सब पार्टियाँ अपनी अपने अलग अलग रणनीति, हालांकि आम आदमी पार्टी भी लोगों को एक लालच दिया है कि आपकी पानी और स्वास्थ्य और बिजली तमाम चीज़ें फ्री कर देंगे, वो दिल्ली वाला जो एक मुद्दा है वो यहाँ पे ले आके उस एजेंडे को पूरा करना चाह रही है आम आदमी पार्टी, क्या आप यहाँ पे जगह बना पाएगी? नहीं, देखिए यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, जिसमें कि आप जो आम आदमी पार्टी चाह रही है कि पानी फ्री देना, बिजली फ्री देना, तो यहाँ पे ये पॉसिबल मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। लोग पसंद करेंगे लेकिन यहाँ पे उनको नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ऐसे लोग हैं जो कि ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कह रहे नहीं चाहिए भैया पानी फ्री का और फ्री का ये सब, हमें मुफ्त में कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि दिल्ली जैसा हमारा जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है बिजली फ्री हो जाए, पानी फ्री हो जाए। तो क्या
जो फ्री में लेना चाह रहे हैं वो लोग ठीक हैं? नहीं ठीक हैं, लेकिन लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये फ्री दे के कब तक गवर्नमेंट चलाएगी यहाँ पे? यहाँ पे चाहिए डेवलपमेंट, हमें चाहिए, हमें चाहिए नौकरियाँ चाहिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट फ्री का नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, स्मार्ट सिटी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, ये तमाम सब मुद्दे रहेंगे। शहर अपना जिस तरह से शहर का विकास होना है, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट शहर बनना है, पिछले सरकार में और पिछले समय जो मेयर का वो रहा, क्या बन पाया था? नहीं देखिए, पिछले के बाद पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकार और अब की सरकार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज अब की जो सरकार है, बीजेपी जो गवर्नमेंट इस समय यूपी में चल रही है, इनका मेन फोकस हो रहा है डेवलपमेंट पे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और डेवलपमेंट करना, जगह जगह पुल बनाना, ब्रिजेस बना रहे बीजेपी जो गवर्नमेंट इस समय यूपी में चल रही है, इनका मेन फोकस हो रहा है डेवलपमेंट पे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और डेवलपमेंट करना, जगह जगह पुल बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब चीज़ इन पर ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि वैसे हमारा ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसकी वजह से। सही बात। देखिए हमारे साथ यहाँ पे बनारस के कुछ लोग मिल गए थे जो कि लखनऊ में आए हुए हैं आज मैच देखने, और इनसे हम ये तमाम जगह घूमते रहते हैं, आज इनसे भी जाना हमने कि क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है। वाराणसी में मुख्यमंत्री वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इनका मानना है कि बीजेपी का इस समय जो टक्कर है वो एकदम सबसे अव्वल में माना जा रहा है, हालांकि डिंपल यादव भी लगातार मेहनत कर रही हैं और जनसभा को संबोधित कर रही हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात रहेगी कि ये लोग अभी जो आम पब्लिक ये मिले हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये माना नहीं जा सकता है किसकी लड़ाई कितने पर है। जो कांटे की टक्कर है वो सपा और बीजेपी में देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले समय में किसकी प्रत्याशी कहाँ कहाँ से कितना विजेता होता है ये देखने वाली बात रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जगह 24x7 न्यूज़।